अभी गोलमाल में सब गोलमाल ही होगा, मैं खुद देखने आया हूँ, क्या गोलमाल है वो देखने आया हूँ भाई। अच्छा ही होगा, हमारे राजेश पुरी साहब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत ही प्ले अच्छा ही होगा, सभी मजे भी आर्टिस्ट लोग हैं और राजेश पुरी साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं। एक ज़माने में उन्होंने तहलका मचा दिया हुआ था टेलीविज़न, जब नया नया टेलीविज़न था, हम लोग सीरियल जो था उसमें राजेश पुरी जी लल्लू का करेक्टर पूरे देश में तहलका मचा दिया था, है जी, ग्रेट एक्टर। तो उनका ये प्ले है अच्छा ही होगा। कितना कनेक्ट करेंगे आप लोग? नहीं, हम तो एंजॉय करने आए हैं बिल्कुल, और अच्छा होना चाहिए और बढ़िया प्ले होगा यार, मुझे भी देखे बगैर मैं कैसे बोलूँ। अच्छा जॉनी सर, आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अभी दिलवाले आ रही है, हाउसफुल 3 आ रही है, होटल ब्यूटीफुल एक पिक्चर रिलीज है, वो मेरे ख्याल 2 महीने में रिलीज होगी। थैंक यू। तरह से पब्लिक का जोश देख रहा हूँ, शो विल बी गुड, एंड मेरे घर की फैमिली मेम्बर हैं जो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे पास टाइम था और मैं प्ले देखने आया हूँ और मैं उनको गुड विशेस देता हूँ। अभी प्ले देखने के बाद ही मैं बोल सकता हूँ प्ले के बारे में, ओनली अभी आई कैन नॉट गिव गुड विशेस। कॉमेडी है, कॉमेडी तो इज फॉर एवरीबडी, नॉट मी। अगर आजकल की दुनिया में, आजकल के ज़माने में लोग हंस जाए, इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन बाय द परफॉर्मर जो बोलता कि किसी को हंसाने के लिए कोशिश कर सकते। पता नहीं, मैं तो सेक्स कॉमेडी देखता नहीं हूँ, पिक्चर ही नहीं देखता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में। कॉमेडी वो है जो दिल को अच्छी लगे, जो आपको लाइट मोमेंट दे, खुशी हो, हंसी आए, दिल से हंसे, दैट इज़ कॉमेडी। अपकमिंग है, कभी है, करते रहते हैं, कभी टीवी कर लिया, कभी फिल्में कर ली, कभी स्टेज, मैं भी थिएटर भी कर रहा हूँ, तो मिलेंगे आपको। बोला क्योंकि इसमें माई डियरेस्ट फ्रेंड राजेश पुरी है और वो बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं, मैंने उनके साथ खुद अभिनय किया है प्ले में और उनका जो कॉमिक सेंस है, उनकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत ही मज़ेदार इवनिंग होगी। और जब मुझे राजेश जी ने इनवाइट किया तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि वैसे ही आपकी ज़िंदगी में जो टेंशन्स होते हैं तो ऐसे लाइट फुल ऑफ फन ऐसे नाटक देखकर आपके जो टेंशन है वो दूर हो जाते हैं। और वैसे भी बीइंग अ थिएटर पर्सन, सिंस आई एम फ्रॉम एनएसडी, तो थिएटर को मैं प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, मैं खुद थिएटर कर रही हूँ और करना चाहती हूँ, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल इवनिंग। कहने वाले और सुनने वाले अगर वो अपनी जुबान समझ लें तो कोई सही गलत नहीं है। अगर हम वोट कर सकते हैं, हमारी उम्र उसके लिए सही है, तो किसी भी चीज़ के लिए सही है। सिर्फ बेहुदा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही घटिया नहीं होनी चाहिए, बाकी सेक्स तो सेक्स के वजह से हम लोग जिंदा हैं, आज हम पैदा हुए हैं, तो फिर सेक्स में क्या प्रॉब्लम है।